आप लोग रिजी इजी किचन में आप सबको मैं वेलकम करती हूँ। चलिए आज हम मज़ेदार सा चिकन बर्गर बनाते हैं, स्पाइसी सा, वो भी मेरे स्टाइल से। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास जो है मैंने तक एक कप चिकन जो है वो बॉईल कर लिया था, उसके अंदर मैंने हाफ टी स्पून गार्लिक सॉल्ट जो होता है वो डाला था बॉईल करने में, और उसका पानी उसी के अंदर खुश करके, जब चिकन मेरा ये बोनलेस चिकन है इसे मैंने बॉयल हो गया, तो मैंने इसको देखिए ऐसे मोटा मोटा हाथ से श्रेड कर लिया है। ये हमारे पास तकरीबन एक बड़ा कप भर के चिकन है हमारे पास। अब इसके अंदर सबसे पहले हम सीजनिंग करते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या डालना है, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ बॉयल करते हुए हाफ टी स्पून गार्लिक सॉल्ट डाला था। तो देखिए ये मेरे पास ढाई टेबल स्पून मेयोनीज है, जो कि लाइट वाली मेयोनीज है मैंने ली है, और ढाई टेबल स्पून है मेरे पास। हम सबसे पहले इसको चिकन के अंदर अपने ये मेयोनीज डाल देते हैं सारी। ये बहुत ही मज़ेदार सा बर्गर बनता है, और इसके अंदर चिकन फ्राई या कुछ और ऐसा नहीं करना होता, बस चिकन को बॉयल करिए और बाकी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर हम अंडा भी फ्राई करके एक रखेंगे। तो चलिए देखिए मेयोनीज चली गई हमारी। इसके बाद अब मैं इसके अंदर देखिए ये कुछ हमारे पास ड्राई चीज़ें हैं, जैसे कि हाफ टी स्पून मेरे पास ऑरिगैनो है, और हाफ टी स्पून मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, ये हम डाल देंगे, और हाफ टी स्पून मेरे पास सॉल्ट है। ये तीनों चीज़ें हमारी इसके अंदर चली गई। और फ्रेंड्स देखिए ये मेरे पास पिकल्स हैं कुछ, जिन्हें मैंने बारीक बारीक नाइफ के ज़रिए ऐसे देखिए काट लिया है, बहुत ही बारीक बारीक। इसमें मेरे पास पिकल्स हैं, जिसमें मैंने दो तीन पिकल्स वैसे लिए थे, कुकम्बर जो हमारे विनीगर में पड़े हुए होते हैं, और दो से तीन पीसेस छोटे मेरे पास हेलोपिनो के थे, जो पिकल्स की तरफ ही जो हमें मिलती हैं विनीगर में पड़ी हुई, वो हमने बारीक बारीक काट लिया, वो भी हमारा चला गया इसके अंदर। अब हम इसके अंदर देखिए ये मेरे पास ब्लैक पेपर है, ये थोड़ी सी हम डाल देंगे पिंच भर। सिराचा है, इसको ज़रा हीट देने के लिए कि स्पाइसी सा लगे, तो हम हाफ टी स्पून सिराचा डालेंगे इसके अंदर। देखिए निकल आया इसके अंदर से। चलिए हाफ टी स्पून हमने ये डाल दिया, और एक टी स्पून मेरे पास हनी मस्टर्ड है, ये मैं डाल रही हूँ, तो ये भी हमारा चला गया। अब हम सारी चीज़ों को इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्स करके ये अच्छा सा मज़ेदार सा एक हमारा चिकन का बैटर कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, वो बन गया खूब मज़ेदार सा, ये बन गया। इसी तरह से सब चीज़ें मिक्स करेंगे, ताकि कोई चीज़ हमारी, जितनी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं सारी चीज़ें आपस में कंबाइन हो जाए। चलिए ये सब हो गया। अब हम अपने जो हमारे पास ये सेसमी सीड वाले बन है बर्गर बनाने के लिए, इनको हम बटर लगा के हल्का सा पैन में अपने सेकेंगे। उसके बाद देखिए ये मेरे पास ग्रीन लीव है, ये हम यूज़ करेंगे इसके अंदर रखने के लिए, और एक अंडा है जिसको मैं फ्राई करके ये भी मैं इसके अंदर रखूँगी। तो चलिए अब हम चूल्हे के पास चलते हैं, अपनी इसको फाइनल टच देते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम अपने चूल्हे को ऑन करते हैं, पैन रख लिया हमने उसके ऊपर, और ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इधर एक पैन और रखा हुआ है, जिसके अंदर दूसरे चूल्हे पे इसके अंदर मैंने ऑयल डाल के रखा है। तो हम इसके साथ कुछ थोड़े से फ्राइज है मेरे पास, कर्ली फ्राइज, हम वो भी फ्राई करेंगे और इसके साथ सर्व करेंगे। तो चलिए पैन हमारा गर्म हो जाए, तो फिर हम अपने बन जो है हमारे पास ये देखिए, तो इनको हम अच्छी तरह से बटर लगा के ज़रा सेक लेंगे। इसे रख दिया, बटर लगा दिया मैंने इसके ऊपर, एक टीस्पून इस वाले पीस पे भी लगा लेंगे हम अपने, और इसको भी हम रख देंगे ऐसे। ये हमारा बन हो जाए, तो फिर हम इसके अंदर अपनी जो चीज़ें हमें लगानी है वो हम लगा के इसके अंदर रखेंगे। जब तक हमारा फ्राइज का जो तेल है वो भी गर्म हो रहा है दूसरे चूल्हे पे,
ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए दूसरा पैन भी मैंने रखा हुआ है, ये भी गर्म हो रहा है सही से। तो हम इसके अंदर अपने फ्राइज जो हमने हमारे पास है वो हम उसको सेकेंगे। थोड़ा सा लाल हो जाए थोड़ी सी इसका, तो फिर हम इसके अंदर ये बहुत ही मजे का ये बनता है। आप प्लीज इस रेसिपी को भी मेरे जरूर ट्राई करिएगा, आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल रिजी इजी किचन को सब्सक्राइब करिए। मैं आपके साथ ऐसे ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करती रहूँगी। देखिए ये हो गए, इसको निकाल लेते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि इसके अंदर हम तेल डालेंगे अपना अंडा फ्राई करने के लिए। चलिए मैंने इसके अंदर तेल डाल दिया 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो हम अंडे को इसके अंदर डालते हैं। देखिए ये चला गया इसके अंदर, चूल्हा मैंने बिल्कुल लो पे कर दिया है फ्लेम उसका। और अब हम ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसके साथ क्या कर रही हूँ। अब देखिए मैं ये जो मैंने बन अपना बटर से सेक के निकाला है, अंडा हमारा लो फ्लेम पे पक रहा है, हम इसके अंदर सबसे पहले ये जो ग्रीन लीफ है ये ऐसे डबल करके इसके अंदर रखेंगे अपने बन के जो नीचे का हिस्सा होता है। देखिए ये मैंने रख दिया। अंडे को हम अब थोड़ा सा, क्योंकि हमें बहुत रनी नहीं चाहिए है तो हम इसको फ्लिप कर देते हैं ताकि इसकी जर्दी भी जो है थोड़ी सी पक जाए। अब इसके अंदर जो हमने ये बैटर बनाया था अपने लीफ के ऊपर, जो मैंने सैलेड लीफ रखा है उसके अंदर ये हम डालेंगे। ये देखिए ऐसे 2-3 तकरीबन टेबल स्पून भर के डालिएगा तो ये ज़रा मज़ा देगा। ये मैंने भर के इसके अंदर 3 टेबल स्पून ये डाल दिया। अब इसके ऊपर से मैं ये जो हमारा एग हमने फ्राई किया है ये देखिए इसको हम ऐसे इसके ऊपर रख देंगे। बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए जर्दी आपकी, और बहुत ज़्यादा वैसा भी नहीं होना चाहिए। अब ऐसा करते हैं कि हम ये वाला पैन जो है इसको हम अपने जिसमें हमें फ्राइज अपने फ्राई करने हैं इसको हम इधर कर लेते हैं, इस चूल्हे को बंद कर देते हैं। चलिए अब मैं ये देखिए मैंने सबसे पहले लीफ रखा, फिर मैंने उसके ऊपर जो बैटर बनाया था वो रखा, उसके ऊपर फिर मैं ये अपना दूसरा पीस बन का हमने इसके ऊपर रख दिया। अब हम फ्राइज अपने फ्राई करते हैं, फिर हम अपनी फाइनल प्लेट आपको दिखाते हैं कि हमने कैसे बनाई है। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है फ्राइज का भी, अब हम अपने कर्ली फ्राइज के अंदर डालते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, ऐसे डालेंगे कि बस तेल, क्योंकि पैन मेरा बहुत बड़ा नहीं है तो मैंने इतने ही डाले हैं जिससे इसके अंदर सही से आ जाए। चलिए अब हम पैन में इसमें प्लेट में अपने एक पेपर रख लेते हैं ताकि वो इसका ऑयल, जब मैं फ्राइज निकालूँ ज़रा तो उसका ऑयल सारा उसके अंदर चला जाए, एब्जॉर्ब कर लें वो। चूल्हा मैंने अब मीडियम पे कर दिया है अपना फ्लेम। ये समझिए 1 कप भर के मेरे पास श्रेडेड चिकन था, उसके साथ जो मैंने इसके अंदर और चीज़ें डाली हैं वो आपको साथ मैंने शेयर की। उसमें आप बड़े आराम से 2 से 3 इतने चिकन में बर्गर बना सकते हैं। मैंने आपके साथ अभी एक बना के दिखाया है, अभी भी मेरे पास काफ़ी सारा उसका जो मैंने बनाया है बैटर और जो मैंने वो बनाया है स्टफ़ बनाया चिकन का वो अच्छा खासा है कि मैं उसके अंदर 2 बन और भी बना सकती हूँ बर्गर आराम से।
ये फ्राइज हमारे सही से हो जाए, तो फिर हम अपनी सब चीज़ों को फाइनल टच प्लेट में अपनी निकालते और आपको दिखाते हैं कि कितने मज़े का ये बनता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बड़ी झटपट बनने वाली ये भी रेसिपी है। वीकेंड पे आप एक दिन पहले चिकन बॉयल करके रख लीजिए, और वीकेंड पे कुछ फैमिली हो सब बहुत चेंज चाहते हैं, रूटीन की जो चीज़ें पकती रहती हैं वो नहीं चाह रहे होते हैं, फास्ट फूड टाइप की चीज़ें तो वैसे ही बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो आप चिकन बॉयल करके एक दिन पहले रख लीजिए रात में, और सुबह जो है बस आप उसके अंदर सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई चिकन श्रेड करके वो डालिए, फ्राइज़ बनाइए साइड में उसके साथ, और फैमिली के लिए अपने अच्छे से प्लेटर बनाइए और इन्जॉय करिए। चलिए हो गए हमारे, इनको हम निकालते हैं। ये स्पाइडर स्पून जो है ये बहुत ही आला चीज़ है, इसके साथ आप नहीं आपके पास तो ख़रीदिए, फ्राइज़ बनाना हो कोई भी हमें डीप फ्राई जो भी चीज़ें करनी होती है ये उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। ये देखिए हमने सब निकाल लिए, अब हम चूल्हे को अपने बंद कर देते हैं और मैं आपके साथ फाइनल प्लेट बना के मिलती। ये देखिए फ्रेंड्स, आज की रेसिपी हमारी स्पाइसी चिकन बर्गर रेडी हो गई है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी, और अगर पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल इजी इजी किचन को सब्सक्राइब करिए। मैंने इसके अंदर देखिए ये मैंने कर्ली फ्राइज़ इसके साथ दिए हैं, और ये हमने इसके अंदर केचप दिया है रख के, ये मैंने छोटे से ये मैंने ऐसे इस किस्म की चीज़ें खरीद ली है जो बड़ी अच्छी लगती हैं, रेस्टोरेंट का पूरा आपको मज़ा आता है, घर में आप एक दफ़ा थोड़ी से स्पेंड करके मनी आप ऐसी चीज़ें ख़रीद लीजिए, और अपनी फैमिली के लिए आप ऐसे प्लेटर बनाइए। साइड में मैंने ये देखिए थोड़ी सी सैलड ऑलिव्स है, कैरेट है, ग्रीन लीव्स हैं, थोड़ी सी मैंने इसके साथ ये दे दी हैं, तो एक अच्छा सा नाइस सा हमारा प्लेटर बन गया है। तो चलिए इसको इंजॉय करिएगा, बनाइए अपनी फैमिली के लिए, और मैं जल्द ही आपके साथ एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। ओके, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, बाय बाय।